आई कैन हियर माय ब्रीथ। इसके गाइस तीन हिस्से होंगे हाथ का। क्यूटनेस ओवरलोडेड, इनोसेंस ओवरलोडेड। मैं तेरी दुश्मन, दुश्मन तू मेरा। सो पीपल, आई एम गोइंग फॉर द सेकेंड स्टे इन बीड, हिमाचल, और मैंने कोई अच्छा एडवेंचरस प्लेस चूज़ किया है जिसके लिए मैं थोड़ा सा ट्रैक करके ऊपर जा रहा हूँ। लेट्स सी ऊपर जाके क्या मिलता है। मंकी मठ कैफे एंड कैंप्स, वेलकम क्यों नहीं लिखा यार। तो आई केम टू स्टे हियर बट इंस्टेड ऑफ स्टेइंग आई लेफ्ट फॉर राजगुंडा ट्रैक। क्या लाइफ है बॉस। गाइज, एडवेंचर इज ऑन नेक्स्ट लेवल। यू नो, विदाउट एनी प्लानिंग मैं निकल चुका हूँ राजगुंडा ट्रैक के लिए, और पीछे विवेक भाई बैठे हैं हमारे साथ, यहाँ शुभम भाई बैठे हैं, निकिता हमारे साथ हैं, केती बहुत अच्छे फोटोज खींचती है वैसे, वो ऐसे वो बोलती है, और इनसे मेरी अभी भी दोस्ती हुई और ये मेरी कर्जदार भी हो गई। सबसे 25-25 रुपए लेने हैं मेरे को यार। ये सोलो ट्रिप था विदाउट एनी प्लान, तो अगर आप सोलो प्लान कर रहे हो तो आई थिंक यू गाइस शुड स्टार्ट। किसी भी चीज़ के लिए रुकने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी सी वादियाँ मैं आपको दिखा देता हूँ कि रास्ता कुछ पैराग्लाइडिंग पॉइंट, और हम लोग इससे भी ऊपर जाने वाले हैं और बहुत मजा आने वाला है, बहुत क्रेजी ट्रिप होने वाला है। सो टेक्निकली हम यहाँ पैराग्लाइडिंग पॉइंट से ड्राइव करके आगे जाने वाले थे ऑलमोस्ट 7-8 किलोमीटर्स, जो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आगे रोड जाम है, बंद है, रास्ता टूटा हुआ है। तो पैराग्लाइडिंग पॉइंट से भी हम लोग राजगुंडा जा सकते हैं, तो वो रास्ता यहाँ से शुरू होता है। I've just parked my car और यहाँ से स्टेयर्स लेके हम लोग शुरू होने वाले हैं, और क्रेडिट गोज टू सिद्धार्थ द कैप्टन ऑफ द शिप। यू गाइस वांट टू से हाय। हाय, हेलो हेलो टीम मैगी। मैं जिनको क्रेडिट जाता पूरा मैगी सबको लेके आने का, मैगी ग्रुप बना दिया इन्होंने, मतलब आधी टीम आगे निकल चुकी है और आधी टीम यहाँ रुकी है मैगी खाने के लिए बिकॉज ऑफ दीज गाइस। ये जर्नी बिगिंस। अब आएगा उसकी मज़ा मैगी खाने के बाद। फुल ऑन एडवेंचर होने वाला है, और मौसम एज यू गाइस कैन सी मौसम सुहाना, कभी भी बारिश हो सकती है, बादल नीचे आ चुके हैं, ऑलरेडी हमने लंबा ट्रैक लिया है। यहाँ से रास्ते का कुछ पता नहीं चल रहा कौन कहाँ है। वी गाइस आर वेटिंग फॉर आवर ग्रुप, कुछ लोग आगे हैं, कुछ लोग पीछे हैं। क्या है कि रास्ता शो करते रहना बहुत ज़रूरी है, ऐसा ट्रैक कभी कभी होता है। यूं ही चला चल रहा ही, यूं ही चला चल रहा ही, कितनी हसीन है ये दुनिया। और ये निकिता, हाय निकिता, इसको मेरे व्लॉग में आने का बहुत शौक है, जब भी मैं बना रहा हूँ ये सामने आ जाती है। फाइनली हमने रास्ता कवर कर लिया है, जो रोड ख़राब थी वो हम यहाँ से ट्रैक करके उस रोड पे आ गए हैं जहाँ पे हमारी गाड़ी आनी चाहिए थी। अभी आगे कितना सफर है लेट्स सी। और यहाँ से अभी पार्क में बोलना चाहेगा। हाँ, मैं बोलना चाहूँगा कि हमें ये इसको पार करके जाना है, वो मारू वैसे करता है, वैसे करके जाना पड़ेगा। ये क्या बोल रहे हैं मुझे कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन जो बोला एंटरटेनिंग था। कहते हैं सफ़र कैसा भी हो कंपनी अच्छी होनी चाहिए। गर्ल्स, मैं बोल रहा था कि सफ़र कैसा भी हो कंपनी अच्छी होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग माय गॉड, अरे अमेजिंग हो तुम लोग, दैट्स व्हाट आई मीन। यू नो द बेस्ट थिंग अबाउट दिस ट्रैक, आई कैन हियर माय ब्रीथ, हम इनहेलिंग एक्सहेलिंग, दिस इज सो पीसफुल, कोई शोर शराबा नहीं है, साउंड्स ऑफ नेचर, थोड़ा मेडिटेटिव जोन हो गया। ट्रैक कितना किलोमीटर है? 8 किलोमीटर। फेसेस ऑफ हिमाचल, कुछ बोलना है? हाँ। क्या बोलना है? हेलो हेलो, हाय, क्यूटनेस ओवरलोडेड,
इनोसेंस ओवरलोडेड। फॉग ऑल अराउंड, मतलब पहाड़ तो दिख ही नहीं रहे हैं यार, कुछ भी नहीं दिख रहा है, इट्स ऑल फॉग, बादल। नाइस, वेरी नाइस, आई एम एक्सपेक्टिंग समथिंग गुड टुमारो मॉर्निंग, लेट्स होप फॉर द बेस्ट। बहुत ही खूबसूरत रास्ता है यार ये, सीरियसली मैन, यू गाइस गोना लव इट If you guys are coming, be honest, ये कुछ डिफरेंट ही एडवेंचर हो रहा है। अंधेरा, नो लाइट्स, नो पॉपुलेशन, नो पीपल अराउंड, और मैं तेरी दुश्मन तू मेरा। I'm sure मैं बहुत फनी लग रहा हूँ ये पहन के, but this is so helpful यार, बहुत ज़रूरी चीज़ है ये, yeah. I didn't expect that, लेकिन unexpected चीज़ें ही अच्छी होती है ना, मज़ा आता है, तो doing unexpected things. So guys, अगर आप राजगोंडा ट्रैक के लिए जा रहे हैं, प्लीज़ टाइम से निकलें, लेट ना निकलें, थैंक यू। इसके गाइज तीन हिस्से होंगे, हाथ कर, एक तेरा एक दे रहा है, देखो इमेजिन मेरा एक भी नहीं है। काजू मेरा, ये भी मेरा, ये दो तेरे, ए चोर। अगर स्टार्स दिख रहे हैं ना तो अच्छा है, नहीं दिख रहे हैं तो मैं बता रहा हूँ कि बहुत ब्यूटीफुल है, और इनके लिए यहाँ आना बहुत जरूरी है, बनता है। फाइनली रीच आवर डेस्टिनेशन राजगोंडा, सच अ लवली प्लेस टू स्टे यार। Vibe is chill, beautiful vibes. और निकिता as usual मुझसे पहले पहुँच गई है, 5 मिनट। लड़की उड़ती है, चलती नहीं है। ये डिनर सीन्स, खाना कैसा है गाइस? गाइस हम इतने पुअर, एक टाइम हमारा ऐसा था, इतने पुअर हुआ करते थे कि हम गाड़ी में लिफ्ट मिलने वाली है।